हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, अभी आप लोग देखते होंगे, अगर आप एक यूट्यूबर हो, आपका चैनल मोनेटाइज्ड है, तो आप जब वीडियो अपलोड करते हो तो कभी कभी इस तरह का आपको जो है येलो डॉलर आ जाता होगा आपके वीडियोज़ में। तो गाइज, ये येलो डॉलर क्यों आता है और अगर आपका अभी तक चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ फिर भी ये वीडियो आप एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो पर मैं आप लोग को बताऊंगा कि आपको किस तरह के वीडियोज अपलोड नहीं करना है। क्योंकि जिस दिन आपका चैनल जिस दिन मोनेटाइज हो जाएगा, ठीक है, जिस दिन आपका 4000 घंटों वॉच टाइम पूरा हो जाएगा, मोनेटाइज हो जाएगा, उसके बाद जब मोनेटाइजेशन इनेबल होगा उस टाइम भी आपका प्रॉब्लम हो सकता है ये वाला चीज़। उस टाइम क्या होगा कि आप अगर इस तरह के वीडियोज बनाकर रखोगे तो आपके येलो डॉलर आ जाएंगे। और येलो डॉलर से क्या होता है वही चीज़ बताऊंगा, इसको कैसे आप नहीं मतलब कि इसको कैसे कंट्रोल करना है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, ये सारा चीज़ बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक देखते रहिए। और चैनल पर अगर आप नए हो तो या सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड ऐसी वीडियोज मैं अपने चैनल पर हमेशा लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रीन डॉलर और येलो डॉलर में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों, ग्रीन डॉलर का मतलब होता है एडवर्टाइजर फ्रेंडली कंटेंट। आपका अगर वीडियो एडवर्टाइजर फ्रेंडली है तो आपका ग्रीन डॉलर आएगा। इससे क्या होता है कि आपके वीडियोस में जो कॉमन एड्स आते हैं वो सारे एड्स आएंगे जो भी आना चाहिए। लेकिन अगर आपका येलो डॉलर हो जाता है आपके किसी वीडियो पे, तो उस पर क्या होता है कि दोस्तों आपको कम मात्रा में ऐड आएंगे, मतलब नहीं के बराबर, और जिसके कारण से आपका अर्निंग लो हो जाएगा, अर्निंग होगा ही नहीं, ऐड आएंगे ही नहीं, बहुत कम आएंगे। तो इसका मतलब होता है येलो डॉलर। और येलो डॉलर कब आता है दोस्तों? येलो डॉलर तब आता है जब आपका वीडियो जो है एडवर्टाइजर फ्रेंडली नहीं होता है। तो एडवर्टाइजर फ्रेंडली वीडियो नहीं होने का क्या क्या रीज़न हो सकता है, आप किस तरह के वीडियो नहीं बनाओगे जो कि एडवर्टाइजर फ्रेंडली नहीं है, वही चीज़ आपको यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करूँगा। इसलिए मैंने पूरा का पूरा, आप देख सकते हो, पूरा नोट करके रखा है, जो जो पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं जिससे कि येलो डॉलर आने की आता है, ये सारा चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो को देखते रहिए। तो गाइस, सबसे पहला पॉइंट आपको मतलब कौन कौन सी वीडियो नहीं बनाना है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है, वो आता है इन अप्रोप्रिएट लैंग्वेज। ये वाला चीज़ जो है आपका मन नहीं होना चाहिए, मतलब कि अनुचित भाषा। अगर आपके वीडियो में अनुचित भाषा मतलब कि गलत लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो आपका चैनल एडवर्टाइजर फ्रेंडली नहीं होगा। मतलब कि गाली गलौज करना, किसी को गाली देना, ये सब चीज़ आपके वीडियो में नहीं होना चाहिए। ये पहला पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों, आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपका आगे भी काम देगा। मैंने कहा आपका अगर मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं है फिर भी देखिए, नहीं तो फिर बाद में क्या होगा कि आपका सारे वीडियोस में येलो डॉलर आ जाएंगे। आप अगर इस तरह के वीडियोस बना के रखोगे तो आपका अर्निंग भी नहीं होगा, इसलिए देखते रहिए। तो सेकंड में है वायलेंस। वायलेंस वाला कोई भी कॉन्टेंट नहीं होना चाहिए जिससे कि हिंसा फैलता हो। हिंसा का मतलब तो आप लोगों को पता है। चलते हैं तीसरे टॉपिक को। तो तीसरा पॉइंट ये है कि एडल्ट कॉन्टेंट नहीं होना चाहिए। एडल्ट कंटेंट मतलब भी आप लोग समझ रहे हो, तो ये भी जो है आपके वीडियोज में नहीं होना चाहिए। चौथा नंबर है दोस्तों, हार्मफुल और डेंजरस कंटेंट। हार्मफुल मतलब कि क्षति नहीं पहुंचना चाहिए किसी को, और डेंजरस तो मतलब समझ ही रहे हो, किसी खदान से कूद देना, किसी नदी में कूद देना, किसी के जान ले लेना, डेंजरस कोई भी कंटेंट और हार्मफुल कंटेंट नहीं होना चाहिए। ये था दोस्तों चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट में ये है कि हेटफुल कंटेंट नहीं होना चाहिए। हेटफुल का मतलब होता है कि किसी को जैसे कि बुरा बोल रहे हैं, किसी को हेट फैला रहे हैं किसी वीडियो से, वो भी चीज़ आपके नहीं होना चाहिए। तो छठा पॉइंट ये है दोस्तों कि आपके वीडियोज़ में जो है इनसेंडायरी एंड डीमीनिंग, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इसका मतलब होता है आग लगाने वाला या फिर नीचा दिखाने वाला। किसी को नीचा दिखाने वाला, किसी के बारे में गलत बोलने वाला वीडियो आपके वीडियोज़ में नहीं होना चाहिए। यह था दोस्तों छठा पॉइंट। सातवां पॉइंट में ये है रिक्रिएशन ड्रग्स एंड ड्रग रिलेटेड कंटेंट। ये चीज़ नहीं होना चाहिए आपके वीडियोज में, ड्रग्स रिलेटेड कंटेंट नहीं होना चाहिए। यह था सातवां पॉइंट। आठवां पॉइंट ये है दोस्तों टोबैको रिलेटेड कंटेंट। टोबैको मतलब तो आप समझ रहे हो, तो ये भी आपके वीडियोज में नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों है नाइन पॉइंट में फायर आर्म्स रिलेटेड कॉन्टेंट्स। फायर आर्म्स रिलेटेड कॉन्टेंट आपका वीडियो में नहीं होना चाहिए। और दसवां पॉइंट ये है कॉन्ट्रोवर्सरी इशू एंड सेंसिटिव इवेंट्स, ये सब भी नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रोवर्सरी इशू जैसे कि आप समझ सकते हैं टी सीरीज और प्यूडीपाई के बीच में जो जो पहले सब काउंट कर रहे थे, हेट फैला रहे थे, कॉन्ट्रोवर्सरी क्रिएट कर रहे थे, ऐसे कॉन्टेंट में भी आपका येलो डॉलर आ जाएगा। अब ग्यारहवां पॉइंट में ये है कि एडल्ट थीम्स इन फैमिली कॉन्टेंट। मान लीजिए फैमिली कॉन्टेंट है लेकिन उसमें एडल्ट थीम्स आप दिखा रहे हो तो भी आपके वीडियो में येलो डॉलर आ जाएगा। तो दोस्तों इतना पॉइंट जो है यहाँ पे पूरा का पूरा नोट है, आप लोग जो है मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, आप लोग पूरा का पूरा अच्छी तरह से रीड कर लेना। ये 11 पॉइंट है, जो 11 तरीके के वीडियोज आपके अगर होंगे इस कैटेगरी के तो आपका येलो डॉलर आ जाएगा, और येलो डॉलर से आपके एड्स कम आएंगे और अर्निंग लो होगा। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी है, अच्छा लगा होगा। अगर आपका येलो डॉलर आता है तो आप समझ लेना इस पॉइंट्स में से आपका कोई ना कोई एक पॉइंट मतलब कि समझता होगा यूट्यूब।
और एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों, किसी किसी वीडियो में येलो डॉलर आ जाता है, उसके बाद आप उसको अपील कर सकते हो। अपील करने के बाद क्या होता है कि 24 घंटे के अंदर फिर आपका अगर वीडियो गलत नहीं है तो आपका जो है ग्रीन डॉलर हो जाता है। तो ये भी चीज़ बहुत कोई कसौत हो रहा है। तो ये चीज़ होने का रीज़न ये है कि इन सब 11 पॉइंट्स के रिलेटेड कोई वीडियो ऐसा होता है, मतलब कि आपका वीडियो ऐसा नहीं होता लेकिन आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसे वर्ड यूज कर देते हो लिखने में, टेक्स्ट में, या फिर कहीं पे बोलने में, या फिर मान लीजिए टाइटल में है, डिस्क्रिप्शन पे, या फिर टैग पे कोई ऐसा चीज़ आप लिख देते हो, हेटफुल हो, वायलेंस वाला हो, एडल्ट हो, जिसके कारण से आपका येलो डॉलर आता है। कोई ना कोई आपका रीज़न ज़रूर आता है। तब फिर यूट्यूब को जब आप अपील करते हो तो वो फिर से अच्छे तरीके से चेक करता है, तो देखता है आपके वीडियो में कुछ भी अगर गलती नहीं है तो आपका ग्रीन डॉलर हो जाता है। लेकिन उस दिन क्या होता है कि आपका 24 घंटे में जितना भी व्यूज़ आने था उसमें तो आ जाते हैं लेकिन अर्निंग कुछ भी नहीं होता। तो इससे बच कर रहना यही मैं कहना चाहूँगा। तो चलिए, उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए होते या सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।